घर से ये आम आया है, बहुत सारा आम आया था। अब ये तो चटनी बनाने के लिए रखा है, ये कुछ आम काट के रखा है, इसका खट्टी मीठी चटनी बनेगी और अभी दिखाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने अचार डाल दिया है अपने जाने से पहले, इतना सारा अचार। और देखो ये गुठली इसमें नहीं है, तो हमको ऐसा अचार अच्छा लगता है जिसमें गुठली ना हो, तो इसलिए आम में गुठली पड़ने से पहले तोड़ ली मम्मी और इसका अचार बन गया। कहुआ मेरे बच्चे, कहुआ चढ़ा हुआ है। क्या है? चलो बाय बाय बाय। मम्मी पापा चले गए ना, तो घर इतना खाली खाली लग रहा है कि मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मम्मी रहती थी तो कुछ ना कुछ वो करती रहती थी दिन भर, और वो दिन में ऐसे लेटती हुई सोती भी नहीं थी, वो रहती थी तो हम बल्कि दिन में सो जाते थे क्योंकि वो बाबू को देख लेती थी तो हम सो जाते थे, लेकिन वो जगती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी, या तो नहीं कुछ तो क्या कहते हैं गार्डन में जाके पौधा ही खोद रही होती थी, मिट्टी खोद रही होती थी, मतलब उनका कुछ ना कुछ चलता रहता था। और जाने से पहले वो इतना सारा अचार वगैरह बना करके गई हैं। ओ शिट, मैं भूल गई यार, उन्होंने बोला था कि अचार का डिब्बे में भर दी थी, तो वो डिब्बा हल्का सा खोल करके उसको धूप में सुखाने के लिए, तो हम भूल गए हैं, धूप में रख तो दिए थे लेकिन हम उठाना भूल गए हैं। सुनेंगी तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगी कि एक काम दिया था तुमसे वो भी नहीं हुआ। ठीक है, अरे अब भूल गए यार, अचार वचार ये सब का आदत तो है नहीं, वो बोली थी धूप में सुखाना, वो धूप में हमको लगता है 2 दिन लगातार सूख गया है, रात में भी बाहर ही रह गया था, लेकिन ये है कि इतना सा बस उसका वो खुला था, हम पूरा खोल करके नहीं रखे थे, तो वो ठीक है, अच्छा हुआ आंधी वांधी नहीं आई, पता वरना तो पूरा अचार किन 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 कर रहा होता। और एक इंसान यहाँ पे सो रहा है, हमको लगा था कि ये एयरपोर्ट पे जाके देखेगा मम्मी को जाते हुए तो बहुत दंगा कर देगा, बहुत रोने लगेगा ये वो, मतलब ये इंसान मतलब इतने मतलबी होते हैं ना बच्चे, पता नहीं ये इसको सेंस हो गया था या क्या हो गया था, आई डोंट नो, मतलब सुबह से ही क्या, जिस दिन मम्मी को जाना था मतलब कल, तो इसने ऐसा किया कि अदरवाइज इसके पहले क्या होता था, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे हम इसको अगर पकड़ते थे ना, अगर मान लो हम इसको ऐसे पकड़े बाबू आ जाओ मेरे पास, ऐसे हाथ छुड़ा करके मम्मी के पास चला जाता था, तो लेकिन जिस दिन मम्मी को जाना था उस दिन पता नहीं इसको अचानक से हमसे कैसे इतना प्रेम आ गया कि मेरे लिए ए करके रो रहा था, और मतलब हमको इतना आश्चर्य लगा कि ये लड़का जो सीधे मुंह हमको देखता तक नहीं था मम्मी के आने के बाद, मम्मी जब तक नहीं रहती है तो वो एकदम मेरा भक्त बन के रहता है, लेकिन जैसे मम्मी आ जाती है ना वो फिर हम एकदम नॉन एग्जिस्टिंग हो जाते हैं उसके लिए। देखो, और मम्मी के जाने से पहले ही उसको पता नहीं, आई डोंट नो कि उसको समझ आ गया या क्या, मतलब लोग कहते हैं कि बच्चों को सेंस होती है सारी चीज़ें, उसने ना थोड़ा थोड़ा डीअटैच कर लिया मम्मी पापा से अपने आप को, और ये जाने से जाने वाले दिन पे ही हुआ, उन लोगों को रात में जाना था और सुबह इसने डीअटैच करना शुरू कर लिया धीरे धीरे अपने आप को,
पता नहीं दीदी, ऐसा दीदी बता रही थी, मतलब मेरी बड़ी बहन कह रही थी कि ऐसे ही अदीरा भी करती थी, जब मम्मी के जाने का टाइम होता था वो धीरे धीरे अटैच अपने आप को डी अटैच कर लेती थी। फॉर दैट मैटर जब हम भी उन लोगों को गए थे उन लोगों से मिलने के लिए, तो जिस दिन हमको जाना था अदीरा हमको बाहर छोड़ने तक नहीं आई। बच्चे बहुत अपने आप को क्या कहते हैं जल्दी डी अटैच भी कर लेते हैं। तो जाके देखे अचार बाहर है, क्या हो रहा है इसके पास में, ये लगा दें ज़रा एक बार अचार देख के आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे तो हमको याद आया अचार तो बाहर ही रह गया है। हम 2 दिन से अचार ऐसे ही 2 दिन से अचार सूख रहे हैं। देखो बस इतना खुला था और ये तो ऑलमोस्ट बंद ही है, इसको तो हम खोले ही नहीं थे ज़्यादा। चलो ठीक है बंद करके रख देते, कितना धूप में सूखेगा। बहुत ही धूप छांसा मौसम, जैसे लग रहा है कि शायद आंधी आएगी। अरे बाप रे, हवा चल रही है काफी। और मैंने सोचा है ना कि मैं अभी कुछ टाइम में अपने जानते लाजमा के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि देयर इज एन अपडेट अबाउट माय जानते लाजमा। हम कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं ना, क्योंकि हाथ में मेरे डब्बे हैं अचार के। तो जानते लाजमा के बारे में भी मैं अपडेट दे दूंगी कि अभी क्या चल। अरे यार उड़ गया। अरे बेटा क्यों रो रहे हो भैया, ऐसा क्या हो गया? अरे मम्मा जी तो यही है, मम्मा जी तो यही है। हाँ मेरे बच्चे आ जा, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जी हैं। इधर देख लो सबको, प्लीज देख लो, अपनी मुहिया दिखा दो। ये कौन है? ये बच्चे जी हैं, ऐसे कर दो इसको ना, थोड़ा सा वो करने आ गया है। ऐसे करता है, ऐसे जोर लगा के। हम लोग कहते हैं बाबू ऐसा मत करो, कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जोर लगाने के चक्कर में पीछे से जोर लगाने का दिक्कत हो जाए। इसको लोग समझाते बाबू ऐसा नहीं करो, लेकिन इसको कहाँ समझ में आने वाला है। प्यारू कर दो सबको, प्यारू कर दो। अच्छा नमस्ते कर दो सबको, हाय बोल दो सबको। ऐसे बक्का किधर क्यों ताक रहे हो भाई? सुनो क्या बात है, क्या बात है, कुछ बोलोगे? खाना खाना है, खिचड़ी खाओगे? हाँ खिचड़ी खाओगे बताओ। अरे 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 कहाँ जाना है तुमको? मेरे छोटे बच्चे हैं, छोटे 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 से हीरो जी हैं। मेरा बाबू, नानी चली गई तुम्हारी, नानी चली गई। दो दतुल्ली दिखा दो सबको, दो दतुल्ली, मेरी 2 दतुल्ली है, दिखा दो दतुल्ली, दिखाओ दो दतुल्ली